एवरीवन, आई एम शुची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुचीज किचन। टुडे रेसिपी इज स्पिनच पूरी, पालक की पूरी और विदाउट गार्लिक एंड ओनियन आलू मटर की सब्जी। ये बहुत ही यमी, टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलू मटर की सब्जी बनाएंगे। इसके लिए मैंने पैन में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल ले लिया है 2 टेबल स्पून। इसको अच्छे से गर्म करना है। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे राई, मस्टर्ड सीड्स 1/2 टीस्पून, क्यूमिन सीड, जीरा 1/2 टीस्पून, हींग, हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। अभी हम डालेंगे सौंफ, फेनल सीड एंड अजवाइन, कैरम सीड 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे से कुक होने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे करी लीव्स और ग्रीन चिली। इनको अच्छे से मैंने सेंटर से स्लिट कर दिया है और ड्राई रेड चिली, जिंजर पेस्ट, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक को पेस्ट को अच्छे से कुक करना है। अभी हम इसमें डाल देंगे फाइनली चॉप टमाटोज, उनको भी अच्छे से सौते कर लेंगे और टमाटोज के सॉफ्ट होने तक हम इसको कुक करेंगे। इसमें अभी हम सारे स्पाइसेस भी डाल देते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, नमक और अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर। आप मसाले की क्वांटिटी फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग लेस स्पाइसी खाना खाते हैं तो मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ सब्जी में। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मटर, फ्रेश मटर, आप इसकी जगह फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मसाले को थोड़ी देर कुक होने देते हैं। जब तक मसाला हमारा कुक हो रहा है, इधर हम अपने बॉयल पोटैटोज़ को कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको मैंने ऐसे कट कर लिया है। इसका साइज़ भी फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए कि आपको कितना बड़ा या छोटा चाहिए। ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, आप इसे प्लेन पूरी के साथ भी खा सकते हैं, पर ये पालक की पूरी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। हमारे आलू भी अच्छे से कट हो गए हैं, इधर हमारा मसाला भी अच्छे से पक गया है। अच्छे से सौते करेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई फेनुग्रीक लीफ, कसूरी मेथी, इसे अच्छे से पाम में डाल के क्रश करके डाल दीजिए। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। और अपने सारे बॉयल पोटैटोज डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे सब्जी को 5-6 मिनट हम कुक करेंगे जिससे सारे मसाले आलू में मिक्स हो जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स 5-6 मिनट हो गए हैं, हमारी आलू मटर की सब्जी रेडी हो गई है। अभी हम इसमें डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर, धनिया पत्ता, अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी सब्जी तो रेडी हो गई है, अभी हम पूरी बनाने की तैयारी करते हैं। पूरी के लिए डो बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा, उसमें मैं डाल रही हूँ नमक, थोड़ी सी हींग और अजवाइन, इसको भी अच्छे से पाम में क्रश करके डाल देंगे। ये मैं इसमें घी डाल रही हूँ, इससे पूरी बहुत सॉफ्ट बनती हैं और अच्छी भी लगती हैं। इसमें डालने के लिए हमें स्पिनच पूरी बनानी है, तो मैंने ये पालक की प्यूरी बनाई है। पालक को मैंने 2 मिनट से ज़्यादा बॉयल नहीं किया है, गर्म पानी में 2 मिनट के लिए मैंने सिर्फ इसको बॉयल किया है अब, और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब स्पिनच पूरी को हम अपने आटे में डालेंगे और उससे आटा गूंद लेंगे। फ्रेंड्स आपको पालक को ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, अदरवाइज़ पालक का कलर ब्लैक कलर का हो जाता है, फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप उसको 2 मिनट से ज़्यादा बॉयल मत कीजिए। 2 मिनट बॉयल करने के बाद उसको हैंड टू हैंड आप चिल्ड वाटर से वॉश कर लीजिए, तो उसका कलर एज इट इज़ ग्रीन रहेगा। पालक को कुक होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। इधर हमारा आटा भी रेडी हो गया है, इसको अच्छे से हमें गूंद लेना है। हमें बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं चाहिए,
मीडियम आटा हमें लगाना है और इसको हमें कवर करके रेस्ट करने रख देना है 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट पूरे हो गए हैं, अच्छे से डो को मैश कर लेते हैं। अब इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके मैं पूरी के लिए इक्वल छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हूँ। अभी नाइफ से कट करके भी कर सकते हैं। अच्छे से इसके पेड़े बना लेंगे हम, सारे पेड़े बना के उसको कवर करके साइड में रख देंगे। फिर साथ में हम अपनी पूरी बेल के, यहाँ पे मैं पूरी बेल रही हूँ तो मैंने गैस पे ऑलरेडी तेल गरम होने के लिए रख दिया है, क्योंकि इन पूरियों के लिए हमें तेज गरम तेल चाहिए, अदरवाइज हमारी पूरी अच्छी फूलेंगी नहीं। देखिए मैंने सबकी पेड़े बना लिए हैं आटे के, कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है ना फ्रेंड्स हमारे आटे को। ये देखिए सारी रेडी हो गई हैं, आपको इसको कवर करके ही रखना है अदरवाइज ये ड्राई हो जाती हैं। अब हम अपनी धीरे धीरे पूड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे आपको आटा लगाने की, सूखा आटा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आटा स्टिक हो रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। यहाँ पे 4 to 5 पूड़ी बना के रख लेती हूँ, फिर हम एक साथ उनको फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स ये पूरी बहुत ही हेल्दी हैं, टेस्टी हैं, आप इसे पक्का से ट्राई कीजिए। अगर मेरी मैंने पूरी बेल ली है, ये देखिए इधर हमारा तेल भी ऑलरेडी गर्म हो गया है। हम पूड़ी को डाल देती हूँ, ये देखिए कितनी फूली फूली फ्रेंड्स पूड़ी बन रही है ना। यहाँ पे आटे को जो हमने लगाया था उसको 10 से 15 मिनट रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, उससे ये बहुत ही अच्छी फूली फूली पूड़ी बनती है। आपकी एक भी पूड़ी ऐसी नहीं होगी फ्रेंड्स जो नहीं फूलेगी, सारी पूड़ियाँ फूलने वाली हैं। पर आपका तेल ज़्यादा गर्म होना चाहिए, आपको ठंडे तेल में अपनी पूड़ियों को तलना नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना फ्रेंड्स ये। आइए हमारी पूड़ी भी तैयार हो गई है, आलू मटर की सब्जी भी रेडी हो गई है, अब हम इन्हें सर्व करते हैं आपको आज की। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट न्यू रेसिपी नोटिफिकेशन। बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू।